ये देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ पर हलचल हम आपको दिखाएं तो हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि दोनों सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। वहीं अगर एक सड़क की बात की जाए जो NH9 के ऊपर से जो सड़क, जो हाईवे जो पुल आया हुआ है, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दिल्ली की तरफ से भी वहां पर कोई वाहन नहीं नजर निकल पा रहा है। और वहीं दिखाया जाए तो यहां पर बैरिकेडिंग चारों तरफ है। बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि सचिन पायलट को यहाँ ना रोका जाए। 1 किलोमीटर आगे बैरिकेडिंग है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसान ज़्यादा भारी तादाद में हैं, तो किसानों की वजह से 1% अगर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ ना रोका गया या नहीं रुके जी कुछ ही दूरी पर आगे पूरा बंदोबस्त है और वहाँ पर सचिन पायलट को रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी यहाँ लग चुका है और हलचल यहाँ पर काफ़ी तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट इस रास्ते से अब आगे की तरफ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और यहां से निकलने में कामयाब होते हैं तो 1 किलोमीटर आगे जो पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है वहां पर पुलिस उन्हें रोकने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो अगर बात की जाए गाजियाबाद की सीमा की तो जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त है, वो काफी तेजी इससे वहां पर लगाए क्या काम कर रहा है और काफी तेजी से वहां पर एक एक वाहन को चेकिंग किया जा रहा है। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो पीछे से जो वाहन है ये छोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनपुट मिल रहा है तो इनपुट ये मिल रहा है कि सचिन पायलट आ रहे हैं तो उस समय बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, दिल्ली की तरफ से भी रास्ता बंद कर दिया जाता। लेकिन पता ये चला, हो सकता है सचिन पायलट अभी थोड़ा सा दूर हों या कुछ दूर पीछे हों, तो इस समय अगर दिल्ली की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग हटाई गई है फिर दोबारा से वाहन चलने शुरू हो गए हैं तो माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट थोड़ा सा पीछे हो। अब देखना यह है कि यहां पर जो पुलिस है उन्हें रोकती है नहीं, अगर यहां नहीं रोकती उन्हें पुलिस तो ये माना जा रहा है कि जो किसानों के आप ये टेंट देख रहे हैं, तंबू देख रहे हैं जी। तो यहां पर जो किसान है उनकी वजह से 1% यहां पर सचिन पायलट को ना रोका जाए। लेकिन यहां से 1 किलोमीटर दूर जो गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ADM हैं, SP सिटी हैं, सभी मौजूद हैं और बैरिकेडिंग मजबूत की हुई है। अब देखना यह है कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो इन गाड़ियों में सचिन पायलट को खोज पाती है नहीं खोज पाती। हालांकि सचिन पायलट जिस गाड़ी में, उस गाड़ी का पहले से ही जो ठीक है उसके पीछे होता, उसके साथ होता है। अभी गाड़ियों की मूवमेंट चल रही है, अभी आपकी ठीक पीछे आप लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शक्ति, हम देख पा रहे हैं जी शक्ति, हम देख पा रहे हैं कि पीछे अभी गाड़ियां आ रही हैं। और आप कह रहे हैं कि चूंकि किसानों का वहां पर जमावड़ा है, ठीक वहीं पर बगल में किसान है बड़ी संख्या में, इसलिए चांसेस हैं इस बात की कि सचिन पायलट को उस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर पर न रोका जाए बल्कि 1 किलोमीटर आगे जो बंदोबस्त किया गया है वहां पर रोका जाए।